मोबाइल फूड अधिकारियों ने दुकानदारों और आम लोगों के खाद्य पदार्थों को चेक किया। मुरादाबाद जनपद के कटरानाज में बुधवार को खाद्य विभाग की टीम ने व्यापारियों के सहयोग से फूड सेफ्टी वाहन से खाद्य पदार्थ के नमूने लिए। साथ ही इस दौरान 90 नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा व्यापारियों और आम लोगों को खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक भी किया गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में मोबाइल फूड सेफ्टी वैन कोतवाली पहुंची। साथ ही कोतवाली क्षेत्र के कटरानाज में मौजूद अधिकारियों ने व्यापार मंडल के सहयोग से व्यापारियों एवं आम आदमियों से नमूने लिए। साथ ही इस दौरान दूध, दही, मावा, दाल, चावल, समोसा, सॉस आदि के 90 नमूने मोबाइल फूड सेफ्टी वैन जांच के लिए आए। जांच के दौरान कई नमूने अधोमानक पाए गए। नमूनों को अधोमानक पाए जाने पर अधिकारियों द्वारा उनकी बिक्री पर रोक लगाने की बात कही गई। खान पान में मिलावट की संभावना को देखते हुए हम लोग बीच बीच में आयुक्त कार्यालय या जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर प्रवर्तन कार्रवाई करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम प्रश्न ये होता है कि हम आम उपभोक्ता को उसके बारे में जागरूक करें। उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स एक ऐसी गाड़ी है जिसमें सारी लैब की व्यवस्थाएं रहती हैं और मौके पर ही खाद्य पदार्थ की जांच करके हम खाद्य कारोबारकर्ता या उपभोक्ता को उसके खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि उसमें किस तरह की मिलावट हो रही है या क्या संभावनाएं हैं। उसी के मद्देनज़र आज हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग मुरादाबाद द्वारा कटरानाज में जो है एक कैंप का आयोजन किया गया था वहाँ के प्रबुद्ध व्यापारियों के सहयोग से, और वहाँ पर करीब हमने 90 सैंपल्स जो है वो जांच किए गए हैं, और जिसमें जो फूड कारोबार करता है उनकी दुकान के भी सामान हैं, इसके अलावा जो हमारे उपभोक्ता भाई हैं उन्होंने भी अपने दूध, मावा, तेल, मसाले या जो पीने का पानी है उसका TDS कितना है, तो इन सब को लेकर वहाँ मौके पर जांच कराए हैं, और जांच कराने के बाद उनको अभी सूचना दी जाएगी कि उसमें किस तरह की मिलावट है, इसके लिए आगे उनको क्या रणनीति अपनानी होगी, ये हमारे खास सुरक्षा कारोबार करता हूँ को सारी जानकारी मुहैया करा रहे हैं। सर कब तक रहेगा ये आपका अभियान? ये अभियान हमारा एक्चुअली ये गाड़ी जो है मंडल स्तर पे आई हुई है, तो हमारे इसके जो प्रभारी हैं वो हमारे सहायक आयुक्त खाद्य मुरादाबाद मंडल हैं, और वो पांचों जनपदों में एक सिक्वेंस सेट कर देते हैं कि महीने में हर जनपद में दो दो दिन जो है ये अभियान चलाया जाएगा। तो ये गाड़ी यहीं पर रहती है मुरादाबाद कमिश्नरी में, और वहाँ से वो डेट डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कराते रहते हैं। तो अपील जनमानस से, आम जनमानस से मेरी यही अपील है कि जो इस तरह की आए दिन संक्रामक बीमारियाँ फैल रही हैं और जिससे हम लोग गुजर चुके हैं, ऐसे में अगर हम सही ढंग से खान पान को महत्व दें तो शायद हमें जो है एक अच्छा फीलिंग भी होगी, और डॉक्टर के पास जाने से और अपने जीवन को खतरे से बचाने में हम अपना खुद सहयोग करेंगे। तो जो भी न्यूट्रिशियस चीज़ है, बाज़ार में कोई मिलावट की चीज़ मिलती है तो आप विभाग को सूचना दें और विभाग उस पर त्वरित कार्रवाई करेगा। हमारी जो कार्यशाला होती है जिसमें हम फूड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें भी उनकी अगर वो सम्मिलित होते हैं तो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी वो लाभान्वित करेंगे।